हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज डे वन की क्लास में हम एकदम जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे घर की छत बिना पिलर्स की नहीं होती, वैसे ही इंग्लिश के भी तीन पिलर्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आइए हम जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड, मीन्स किसी का नाम, जैसे अमन, दमो, रिवर एंड काउ, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली सीरीज में। अब हम जानते हैं प्रोनाउन, जिसका मीनिंग होता है नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। हम पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया भी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, डू, डज, डिड, विल, शैल, और मेन वर्ब को, कम, लर्न, रीड, स्पीक, राइट, सी एंड सिंग और बहुत सारी होती हैं। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म। सेंटेंस में जो भी काम किया जा रहा है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई लर्न इंग्लिश, आई कम बैक होम। इनमें स्कूल, मार्केट, इंग्लिश और होम, यह सारे ऑब्जेक्ट हैं। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलता है, इसमें वह सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है। इंग्लिश में वर्ब बीच में आता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, इसमें ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन के हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे दिस। दिस मीन्स यह या ये होता है, जिसका इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे दिस बुक, यह किताब, दिस पेन, यह कलम, दिस टेबल, यह मेज, दिस चेयर, यह कुर्सी, दिस वन, ये वाला। दैट मीन्स होता है वह, जिसका इस्तेमाल भी हम सिंगुलर वस्तुओं के लिए करते हैं। जब कोई वस्तु हमसे दूर रखी होती है तो दिस की जगह हम दैट यूज करते हैं, जैसे दैट बुक, वह किताब, दैट पेन, वह कलम, दैट टेबल, वह मेज, दैट चेयर, वह कुर्सी, दैट वन, वो वाला। प्लूरल सब्जेक्ट में यानी बहुवचन वस्तुओं में हम दिस की जगह दीज का यूज करते हैं, इसका मतलब यह या ये होता है, जैसे दीज बुक्स, ये किताबें, दीज पेंस, ये कलमें, दीज टेबल्स, ये मेजें, दीज चेयर्स, ये कुर्सियां, दीज वंस, ये वाले। प्लूरल सब्जेक्ट में यानी बहुवचन वस्तुओं में हम दैट की जगह पर दोज का यूज करते हैं, इसका मतलब वे या वो होता है, दोज बुक्स, वो किताबें, दोज पेंस, वो कलमें, दोज टेबल्स, वो मेजें, दोज चेयर्स, वो कुर्सियां, दोज वंस, वो वाले। अब हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में हम डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली सीरीज में पढ़ेंगे। अभी हम मोटे तौर पर सिर्फ सब्जेक्ट और उनके नेम्स पढ़ते हैं, जैसे आई। यदि कोई आपसे मैं, मुझे, मुझको या मैंने कहे तो इसकी जगह हम आई यूज करेंगे। वह, उसे, उसको और वह के लिए यदि पुरुष है तो ही, महिला है तो शी। नॉन लिविंग थिंग्स या जानवर है तो इट का इस्तेमाल करते हैं, और तुम, आप, तुम्हें, तुझे, तुमको या तुमने के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं। वे, वो, उन्हें, उन्होंने के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं, और हम, हमें, हमको, हमने के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हम आई की जगह पर मी, ही की जगह पर हिम, शी की जगह हर, यू का यू ही रहता है, दे की जगह देम और वी की जगह अस का इस्तेमाल करते हैं। जिनके हिंदी मीनिंग आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे माई सेल्फ, मैं खुद, हिम सेल्फ, वो खुद, हर सेल्फ, वो खुद, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, तुम या आप खुद, देम सेल्फ, वो खुद, बे खुद, अवर सेल्फ, हम खुद। लास्ट में हम डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड देखते हैं जो प्रश्न वाले वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे वॉट मीन्स क्या या जो, वाई क्यों, ज्यों, वैन कब, जब, वेयर कहाँ, जहाँ, हाउ कैसे, जैसे, विच कौन सा, जो किसी चीज के लिए, हु कौन, जो किसी व्यक्ति के लिए, हूज किसका या जिसका। तो यहाँ डे वन की हमारी वीडियो एंड होती है। कल हम डे टू में भी कुछ नया पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल्स के साथ आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।